गाइज वेलकम टू माई चैनल। एक नई सुबह, आज ईद है। आप लोग को बहुत 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 ईद मुबारक। आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, सभी दिल से अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे, ईद मना रहे होंगे। तो आज हो चुकी है ईद और अभी तक मैंने नहाया नहीं है। जल्दी से रेडी होना है और सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली गई हैं और 2-3 बजे मेरे फ्रेंड्स लोग भी आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना होम टूर कैसा हम लोगों ने सफाई सफुई की है घर की। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जब भी ये प्लेटर बनती है और सिवैया शीर के लिए ये सब कटता है तो याद आता है कि ईद आ चुकी है ना आपकी। तो यहाँ पे ना शीर के लिए दूध बॉईल करने दे दिया था और हम पहले दूध बॉईल करते हैं, उसके बाद बेसिकली मम्मी हमारे घर पे शीर बनाती है, बाकी चीज़ें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ज़ोबी को बहुत टाइम से बोल रही थी कि जाओ कुछ प्रिपरेशन कर लो शीर की, तो मैं डांट रही थी बट ये अपनी मेहंदी में खुश थी। और यहाँ पर मिडनाइट हो चुकी थी, मिडनाइट नहीं 4-4:30 बज रहे थे और फिर भी मार्केट में इतना रश था। दही बड़े की प्रिपरेशन करना मैंने शुरू कर दिया था बट इस बार मेरे दही बड़े थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं बने, इसके लिए मैं थोड़ा सा सैड थी। और यहाँ पर ईद की सफाई भी होना शुरू हो गई, अब प्रॉपर मार्केट का रश कम हो चुका है और ईद की सफाई अच्छे से हो रही है। हम सबने सोचे थे कि चेंज करेंगे बट हमने कर्टन चेंज नहीं करे हैं और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और हम लोग ये वाला रनर लेकर आए थे, नया रनर, और आप लोग देख सकते हैं सोफे के कवर, और सोफे के कवर के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं हमारे कुशन्स कवर जो कि हमने चेंज कर दिए हैं। अब रूम में भी हम ऊपर नीचे बेडशीट लगाते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों की ही बेडशीट बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं अभी को बात बताना चाहती हूँ, मैंने मेहंदी लगाई थी और मेहंदी में ऐसे करके सो गई और मेरी मेहंदी इतनी बड़ी यहाँ पर छप गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो फिर उसे मैंने बहुत निकाला और अब बहुत पेन हो रहा है। तो हर बार ये मेरे साथ होता है, ये हर बार मेरे साथ होता है। तो मिलते हैं नहाकर रेडी होकर। और यहाँ पे मुझे ना अपनी बिरयानी दम पे लगानी थी और मुझे याद आ गया कि नहीं, मुझे नहाना नहीं है, पहले बिरयानी रखी हुई उसे दम पे लगाना है, तो मैंने पहले बिरयानी दम पे लगाई। कितनी सुंदर सुंदर बिरयानी बनाई है मैंने। और ये बिरयानी ना स्पेशली मैंने अपनी फ्रेंड अरीशा के लिए बनाई थी, जो वो फ़ोन पे बात करी है ना वो, क्योंकि उसने बोला था बिरयानी तो खिलाएगी, तो मैंने मम्मी को बोला नहीं कोई नहीं बनाएगा, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। तो मैंने सबके लिए बिरयानी प्रिपेयर की थी और मैंने सारे दोस्तों को बुलाया था, कुछ बिजी थे तो नहीं आ पाए, इट्स ओके, बट इंशाल्लाह फिर कभी हमारी फिर से मुलाकात होगी। बट हर टाइम बाद ये मेरे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, लाइक बचपन में हम लोग जब 5 साल के थे मे भी, तब हम लोग साथ में पढ़ा करते थे और फाइनली बहुत टाइम बाद हम लोग सारे इकट्ठा हुए थे, तो मुझे बहुत खुशी, बहुत मजा। क्या दिया बुआ ने? दिखाओ पैसे। दीदी ये। और हम खाला के घर पे गए थे तो हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। और ना मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की, पूरे व्लॉग में मैंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को तो लिया ही नहीं, क्योंकि सब इतना ज़्यादा बिजी थे कि आ ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा लास्ट में जो हमने इन्जॉयमेंट की है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ और आप लोग भी इन्जॉय कर लें। खाला के घर गए थे तो बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत मस्ती करी। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए देखिए। और यहाँ पे हमारे जीजा जी आए हुए थे और ईद पे मूवी चल रही थी, पता नहीं ईद पे कौन मूवी देखता है। और ये जो लड़का है ये हारून है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का भाई, और ये बहुत अच्छा डांस करता है लिटरली। तो हारून आया था, हमने बोला हारून चलो थोड़ा सा डांस स्टेप मूव्स दिखा। तो आज हारून के इस प्यारे से क्यूट से डांस के साथ हमारा व्लॉग यहीं पर कम्प्लीट होता है। दुआ करती हूँ कि आप लोग को व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लव यू ऑल, फिर मिलते हैं।